हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फोर डिफरेंट टाइप के इयररिंग्स बनाएंगे जिसे हम थ्रेड से बनाएंगे। आप इसे अपनी मैचिंग ड्रेस के साथ टीम अप कर सकते हो। तो चलो फिर इसे बनाते हैं। अपनी फर्स्ट DIY इयररिंग्स के लिए हमें चाहिए सिल्क थ्रेड, इस टाइप के हूप, स्केल, निडल और सीजर। सबसे पहले हम सिल्क थ्रेड को 180 टाइम्स रोटेट करते हुए रैप कर लेंगे। थ्रेड को 180 टाइम्स रोटेट करते हुए रैप कर लिया है। अब हम इसे स्केल से निकाल लेंगे। ये मैंने निकाल लिया है। अब हम इसके सेंटर से इसे कट कर लेंगे। अब हम इसे कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए इस पे इस तरीके से हमें फंसा देना है। अब हम इसे कुछ इस तरीके से पकड़ते हुए अपने निडल को इस तरीके से इस पर इंसर्ट करेंगे। अब हम अपने पूरे थ्रेड पे इस तरीके से रोटेट करते हुए एक नॉट बना लेंगे। थ्रेड में कुछ इस तरीके से निडल को इंसर्ट करते हुए इस तरीके से हमें निडल को निकाल लेना है। ये मैंने एक टेसल लगा लिया है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें आगे के टेसल लगाने हैं। फ्रेंड्स, ये हमने टेसल्स लगा लिए हैं। अब जो इसके एक्स्ट्रा थ्रेड हैं, उसे हमें कट करना है। कट करने के लिए मैं टेसल को कुछ इस तरीके से पकड़ूंगी और इसे ट्रिम कर लूंगी। इस तरीके से हमें थ्रेड को ट्रिम करते जाना है। इस तरीके से हमने ये पेयर रेडी कर लिया है, बट जो इसमें कर्ल्स आ रहे हैं उसे भी हमें रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आप स्ट्रेटनर का भी यूज कर सकते हो और सिंपली आप आयरन भी कर सकते हो। थ्रेड स्ट्रेट हो चुके हैं और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड हैं, जो थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, उनको भी मैं ट्रिम कर लूंगी। इस तरीके से हमारी फर्स्ट DIY इयररिंग्स रेडी है। बढ़ते हैं सेकेंड इयररिंग्स की तरफ। अपने सेकेंड DIY इयररिंग्स के लिए हमें चाहिए एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, इस तरीके के हुक्स, कैप, कुछ बीड्स, निडल और सीजर। सबसे पहले हमें 12 स्ट्रैंड्स लेके इसके अप साइड पे नॉट बना लेनी है। इस तरीके से हम इस पे नॉट बना लेंगे। इसके 3 इक्वल पार्ट करके इसकी चोटी बना लेनी है। इस तरीके से हम चोटी बना लेंगे। रेडी कर लिया है। अब जो इसके एक्स्ट्रा थ्रेड हैं, उसे मैं कट कर लूंगी। दोनों साइड के एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेना है। यहां मैंने इसे टर्न करके ड्रॉप का शेप दे दिया है। अब हम निडल को अंदर के साइड से कुछ इस तरीके से इंसर्ट करते हुए बाहर निकालेंगे और ये जो हमारे पास कैप है उसे हमें इस तरीके से लगा लेनी है। इस तरीके से हमें कैप लगा लेनी है और ये जो हमारे पास हुक है इसको भी हम निडल में इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से निडल को पास करते हुए हम हुक को इस पे अच्छे से स्टिच कर लेंगे।
अब इसके एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर लेंगे। यहां हमने कुछ पर्ल्स लिए हैं जो कुछ इस साइज के हैं, जो छोटे साइज होते हैं ना उस साइज के हैं ये। अब हम इसे इस पे लगाएंगे। इन्हें लगाने के लिए हमें थ्रेड को कुछ इस तरीके से बाहर निकालना है और इसमें पर्ल्स को इंसर्ट करना है। अब इस तरीके से हमें पर्ल को बाहर कर लेना है। ये इसी तरीके से हमें आगे के भी पर्ल स्टिच कर लेने हैं। रेडी है तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। अपने थर्ड डीआईवाई इयररिंग्स के लिए हमें चाहिए एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, कार्डबोर्ड पीस, सीजर, इस तरीके का इयररिंग हुक, गोल्डन बीड्स, फैब्रिक ग्लू। फ्रेंड्स, यहां मैंने थ्रेड के दो स्ट्रैंड्स लिए हैं जिसको हमें कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करना है। अब हम इसके एक्स्ट्रा थ्रेड को ग्लू से ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम इसे रोटेट करते हुए एक रोल बना लेंगे। कार्डबोर्ड पे ग्लू लगा के इसे स्टिक कर लेंगे। इस तरीके से हमें इसे स्टिक कर लेना है और इस तरीके से हम घुमा के इस सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने थ्रेड को रोल करते हुए सर्कल को कंप्लीट कर लिया है और ये जो व्हाइट सा दिख रहा है ये फैब्रिक ग्लू है, ये ड्राई होने पर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब हमें इस तरीके से रोल बना लेना है। सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है जो हमने इस सर्कल के साथ किया। यहां मैं अपने कार्डबोर्ड पे ग्लू लगा लूंगी और अपने थ्रेड को इस पे स्टिक कर दूंगी। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अब हम इसे इस तरीके से घुमाते हुए पूरे थ्रेड को इस पे चिपका लेंगे। अब इस कार्डबोर्ड को भी हमें ऐसे स्टिक कर लेना है और बाकी थ्रेड को हमें इस तरीके से स्टिक कर लेना है। ये ड्राई होने पर अच्छे से स्टिक हो जाएगा। हमें कुछ देर के लिए इसे यूं ही छोड़ देना। फ्रेंड्स, सेम यही प्रोसेस हमें बैक साइड भी रिपीट करना है। अब यहाँ पर मैं इस पे गोल्डन बीड्स लगा लूंगी। इस तरीके से ग्लू लगा के हमें बीड्स लगा लेना है। फ्रेंड्स, हमने थ्रेड को दोनों साइड लगा लिया है। अब हम इस पे बीड्स लगाएंगे। बीड्स लगाने के लिए हमें निडल को कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है और अपने बीड्स को इस पे डाल लेना है और इसे इसी के साथ स्टिच कर देंगे। अब हमें इसे थ्रेड से पास करना है। इस तरीके से हमें थ्रेड से इसे पास करना है और हमारे बीड्स लगते जाएंगे। सेम इसी तरीके से हमें निडल को इंसर्ट करना है और बीड्स को इसमें डाल लेना है। इस तरीके से हमने बीड्स को डाल लिया और निडल को बाहर निकाल लेना है। ये हमने बीड्स लगा लिए हैं। अब इसके एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे पास जंप रिंग है जिसको मैं इस पर इंसर्ट करूंगी। इसके सेंटर पे हमें इसे इंसर्ट। ये हमने जंप रिंग लगा ली है। अब अपने हुक को इस पे इस तरीके से लगाते हुए इसे प्रेस कर देना है। ये हमने हुक लगा लिया है। इस तरीके से
फ्रेंड्स मैंने ये पेयर रेडी किए हैं। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ DIY इयररिंग्स की तरफ। फ्रेंड्स अपने फोर्थ DIY इयररिंग्स के लिए हमें चाहिए एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, राउंड मिरर, स्टड, गोल्डन बॉल चेन, सीजर, स्केल, कार्डबोर्ड पीस और फैब्रिक ग्लू। सबसे पहले हम फैब्रिक ग्लू अपने कार्डबोर्ड पे इस तरीके से फैला के लगा लेंगे। अब हमें इस पे ये राउंड मिरर स्टिक करना है। इस तरीके से हम राउंड मिरर स्टिक कर लेंगे। इसके बाद ये जो बॉल चेन है उसे हमें स्टिक करना है। इस तरीके से राउंड घुमाते हुए हमें बॉल चेन लगा लेनी है। मैं इसको दो राउंड में लगाऊंगी। इसके एक्स्ट्रा चेन को हम कट कर देंगे। ये हमने बॉल चेन और मिरर लगा लिया है। अब हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने जो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लिया है उसे हमें स्केल पे रैप करना है। सबसे पहले मैं स्केल पे दोनों साइड पे ग्लू लगा लूंगी। अब मैं इस थ्रेड को इस पे रैप करूंगी। ये मैंने जो स्केल पे थ्रेड रैप किया था उसको कट करके निकाल लिया है। अब हम इस सर्कल को कट करेंगे। इस तरीके से मैंने सर्कल को कट करके निकाल लिया है। अब जो ये हमारे पास थ्रेड है उस पे मैं इसके बैक साइड भी ग्लू लगा के इसको स्टिक कर लूंगी। इसे इस तरीके से फोल्ड करके हमें स्टिक कर लेना है। अब हम कार्डबोर्ड पीस पे ग्लू लगा के इसे स्टिक कर लेंगे। इस तरीके से फैलाते हुए इसे स्टिक कर लेना है। यहाँ मैंने एक कार्डबोर्ड पीस से राउंड पीस कट किया है। इस तरीके से इसके सेंटर पे हमें इसे इंसर्ट कर देना है। अब यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी। इस तरीके से हम इसके बैक साइड पे इसे लगा देंगे। अच्छे से प्रेस करके इसे अच्छे से स्टिक कर लेना। ये हमने इसके बैक साइड पे अच्छे से कार्डबोर्ड को स्टिक कर दिया है। इसका फ्रंट कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब हम इसके एक्स्ट्रा थ्रेड को ट्रिम करेंगे। हमारी फोर्थ DIY इयररिंग्स अब रेडी टू वियर है। फ्रेंड्स अब टाइम है अपने सारे इयररिंग्स का फाइनल लुक को रिवील करने का। हमारी चारों इयररिंग्स का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है। फ्रेंड्स आप भी इस टाइप के इयररिंग्स अपने थोड़े एफर्ट से घर पर ही बना सकते हो और अपनी मैचिंग ड्रेस के साथ वियर कर सकते हो। होप फ्रेंड्स ये DIY आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलती हूँ एक और नए DIY के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।